आज बिहार के लाखों नौजवान समझिए कि अपने रोजगार के लिए और बहालियों को नियमित करवाने के लिए अपनी मांग को उठाते हुए आज गांधी मैदान में आए थे। जैसे ही 19 लाख रोजगार और तमाम बहालियों में हो रही धांधली के खिलाफ यहाँ पे लोग जब सरकार की तरफ से विधानसभा मार्च की तरफ गए तो समझिए कि पुलिस वहाँ से पहले से ही तैयार थी। और जैसे ही वहाँ पे छात्र पहुँचे, हम तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे, बिहार पुलिस ने नौजवानों के ऊपर वाटर कैनन शुरू कर दिया और जब छात्र नारेबाजी कर रहे थे तब उनके ऊपर लाठियाँ चला दी गई। तमाम 6-7 कम से कम विधायक वहाँ पे मौजूद थे जो भाकपा माले और तमाम महागठबंधन के विधायक थे, उन विधायकों को भी पुलिस ने लाठियाँ चलाई, उनके ऊपर भी लाठियाँ चला दी गई। और समझिए कि बिहार के अंदर लोकतंत्र को ये लोग लाठी तंत्र से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बिहार की सच्चाई क्या है? लाखों पद सरकारी खाली हैं, 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक के पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन कोई बहाली नहीं हो रही है। 60% डॉक्टर के पद खाली हैं, कोई बहाली नहीं है। नर्स और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके पद खाली हैं, कोई बहाली नहीं है। तमाम सरकार के विभागों में पद खाली हैं। हम सरकार से यही कहना चाह रहे थे कि आप 19 लाख नौकरी दीजिए और इस 19 लाख नौकरी से बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होगी, बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो तमाम सरकारी विभाग हैं ये सब व्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन सरकार की बात, हमारी बात सुन नहीं रही। इतना ही नहीं, जब से नीतीश बाबू सत्ता में आए हैं पिछले 15 साल से बिहार के अंदर कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई है बहाली की जिसके अंदर खुलेआम धांधली न हुआ हो। पेपर लीक, अनियमितता, सेटिंग, ये सरकार का ट्रेडमार्क बन चुका है। अभी जो दरोगा की बहाली हुई, दरोगा की बहाली में सरकार ने क्या किया है? जो बच्चे का, जो छात्रों का जो कार्बन कॉपी होता है OMR सीट का, उसको लाने नहीं दिया गया। आप सवाल को लाने नहीं दे रहे हैं, आप एग्जाम का जब रिजल्ट आउट कर रहे हैं तो आप आंसर की रिलीज नहीं कर रहे हैं कि सही जवाब क्या है। आप कट ऑफ डिसाइड नहीं करके उसको अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो पूरे तरीके से हर बहाली को अपारदर्शी बना देना और जनता के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ अगर वो कोई आवाज उठाते हैं तो एक बर्बर लाठी चार्ज कर देना, ये बिहार में सरकार चलाने का जो रवैया हो गया है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज होगा। आज समझिए कि हम लोग जो बात करना चाह रहे थे सरकार से, हमने तो यही कहा था कि आप जो बहाली निकाल रहे हैं, पहले तो बिहार में जिस तरीके से बहाली आ रही है, 2011 में TET की बहाली आई, छठे चरण की ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है। 2014 में बिहार SSC की बहाली आई थी, अभी उसका रिजल्ट आया विधानसभा में हंगामा करने के बाद, और उसमें भी कट ऑफ नहीं दे रहे हैं आप। तो गोलमाल क्या है? ऐसे रिजल्ट कैसे देता है कि आप 300 से लेकर के 410 तक हर रोल नंबर का आपने रिजल्ट दे दिया और अचानक से फिर रिजल्ट रोल नंबर गायब हो गया? तो ये लॉटरी सिस्टम से आप अगर एग्जाम ले रहे हैं तो आप लॉटरी सिस्टम से थोड़ी ना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कोई एक तरीका होगा, उसको सरकार पालन नहीं कर रही है। पूरे इस प्रदेश के अंदर अंधेरगर्दी मचा रखी है नीतीश सरकार ने और इसके खिलाफ आज बहुत रोष छात्रों के अंदर, काफ़ी नाराजगी है। और जब नाराजगी व्यक्त करने के लिए छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं तो समझिए कि वाटर कैनन और ये लाठी आंसू गैस तक चलाए गए। जो छात्र मैंने पुलिस से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर लोग बैठे हुए, मैंने छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, सीधा गन करके उनके ऊपर आंसू गैस चला दिए गए। दरभंगा के हमारे नेता हैं संदीप चौधरी जी, उनके चेहरे के ऊपर आंसू गैस लग गया है। तो आप बिहार के अंदर करना क्या चाहते हैं? एक कानून बना दिया है नीतीश कुमार ने कि जो भी लोग सोशल मीडिया में सरकार की आलोचना करेंगे, कोई भ्रांतिपूर्ण भ्रांतिपूर्ण बात कहेंगे, तो हम तो अगर सरकार को कहेंगे कि आप बिहार को बेरोजगार बनाना चाहते हैं तो सरकार कहेगी ये भी तो भ्रांतिपूर्ण है, तो हमें भी जेल के अंदर डाल देगी। तो ये असल में लोकतंत्र को खत्म करके चाहते हैं कि लाठी तंत्र बिहार के अंदर आ जाए। आप समझिए कि अगर आलोचना नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, असहमतियों को लोग व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा? आज केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार दोनों लोग मिलकर के एक तरफा छात्रों के ऊपर हो, यहाँ तक कि शिक्षक जब कहने जाते हैं कि हमें समान काम का समान वेतन दीजिए, उनके ऊपर लाठियाँ चल जा रही है। दरोगा के अभ्यर्थियों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हमारे रिजल्ट में इतनी धांधली हुई है, हमारा क्वेश्चन आउट है और ये उसका सबूत है, सरकार CBI की जांच करवाए, ये उनकी मांग थी। लाठी जांच करवा दिया गया, नेता को जेल में डाल दिया गया। अब देखिए सांख्यिकी के जो स्वयंसेवक संघ यहाँ पे हमारे साथी मौजूद हैं, इनकी मांग क्या है सरकार से कि जो सांख्यिकी विभाग का काम हमसे होना था, जिसके लिए हमें बहाली के करना था सरकार को, वो काम हमसे लिया जाए। लेकिन नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? हाई कोर्ट का ये आदेश आने के बावजूद कि जो शिक्षक हैं उनको आप गैर शैक्षणिक कामों में नहीं लगा सकते हैं,
सरकार शिक्षक को कभी जनगणना में लगा दे रही है, कभी चुनाव के काम में लगा दे रही है, कभी डेटा बनाने में लगा दे रही है। गरीब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और जो नौजवान सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इनकी मांग को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? ऐसे तमाम मांग यहाँ पे हैं। बिहार पुलिस की महिला अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, उनकी मांग है कि सरकार जो है जैसे अन्य राज्यों में जो हाइट का क्राइटेरिया है वो कम है, तो अचानक से बिहार के अंदर ऐसा क्यों कर दिया गया कि क्राइटेरिया को हाई कर दिया गया? आप इतना लंबा होंगे तभी आपका आप फॉर्म भर सकते हैं। हरियाणा से भी ज्यादा बिहार का कैसे हो सकता है हाइट का डिमांड? तो ये इलॉजिकल सरकार है। और जब आप विधानसभा मार्च कर रहे थे तो पुलिस ने जहां बैरिकेड लगाया था आपके साथ भी, और मनोज मंजिल है, अजीत कुशवाहा है जो विधायक है, उनके साथ भी, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन छोड़े गए और बस सुलुकी की गई पुलिस द्वारा। ये तो पूरे बिहार को लाठी तंत्र में तब्दील करने की साजिश चल ही रही है। भाजपा जहाँ जहाँ देश के अंदर है वो केंद्र में है, केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा है, उत्तर प्रदेश में अभी किसान आंदोलन का आप देख लीजिए, जो किसान आंदोलन में शामिल होने वाले लोग थे 6 किसानों के ऊपर 50 लाख का फाइन किया सरकार ने। आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं? अगर कोई किसान आंदोलन की रैली में शामिल हो जाता है तो 6 किसानों को 50 लाख का फाइन कर देंगे? जहां जहां भाजपा है बिहार में, आज समझिए कि कहने के लिए नीतीश बाबू सत्ता में है, असल में बिहार की सरकार जो चला रही है वो भाजपा है, और भाजपा का तानाशाही रवैया यही है। वे लोग तो हिटलर शाही से प्रेरित हैं ही, ये तो कहते हैं कि हम हिटलर के तरीके से देश चलाएंगे और हिटलर से हम लोग को सीखना चाहिए, तो हिटलर शाही से ये लोग यही सीख रहे हैं कि बिहार के अंदर तमाम आवाजों को खामोश कर दिया जाए। जैसे ही हम लोग वहाँ बैरिकेड के पास पहुंचे तब पुलिस ने वाटर कैनन चलाना शुरू किया। छात्र नारे लगा रहे थे और पुलिस वाटर कैनन चला रही थी, और समझिए कि कई छात्रों का मोबाइल जो था वो भीग के खराब हो गया। लोगों के बस्ते थे, लोग अपना बैग के साथ आए थे, झोला लिए हुए थे, उनके तमाम सामान खराब हो गए, कॉपी किताब बिक गए। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पुलिस से बात करें, तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट थे उनसे हम बात कर रहे थे, बात करने के दौरान ही पुलिस के एक दूसरा पुलिस वाला आता है और मेरे ऊपर लाठियाँ चला देता है। उसी समय मनोज मंजिल थे, RYA के नेता हमारे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ चलती है, अजीत कुशवाहा के ऊपर लाठी चलती है। तो बिहार के अंदर आम छात्रों की तो छोड़ दीजिए, जो विधानसभा में जनता के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, जो छात्र नौजवानों की बात वहाँ पर कर रहे हैं, उनकी तक आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। न तो सदन के अंदर सुनी जा रही है और न सदन के बाहर सुनी जा रही है। सदन में कोई बात कहिए तो आप नए विधायक हैं बैठ जाइए, ये क्या तरीका है? सदन के बाहर अगर सरकार के खिलाफ कोई बात हम कहने गए हैं, सदन के बाहर अगर हमने सरकार से मांग पत्र रखने गए हैं तो लाठियां चल जाएंगी। तो ये असल में लोकतंत्र के ऊपर एक ऐतिहासिक हमला है, जहाँ पर रोजगार के तमाम संभावनाओं को सरकार कुचल रही है, शिक्षा के अधिकार को खत्म कर रही है, शिक्षकों को बहाली नहीं कर रही है, और शिक्षक जहाँ बहाली भी हो रही है आप उनको शिक्षक के बजाय बंधुआ मजदूर सरकार बहाली करना चाहती है। तो इसलिए इस खतरनाक समय में हम तो यही कहेंगे कि बिहार के तमाम छात्र नौजवान जिनके ऊपर लाठियां चली हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं, लेकिन उनका हिम्मत नहीं पीछे टूटा है, उनका हिम्मत आज भी बना हुआ है, और ये सब लोग दोबारा से इकट्ठा होंगे, बिहार के तमाम छात्र नौजवान इकट्ठा होकर के इस सरकार के खिलाफ आगे और आंदोलन होगा। सदन के अंदर तो आवाज़ उठती ही रहेगी, सदन के बाहर भी हम लोग मजबूत जवाब इस सरकार से मांगेंगे, ये हम कहना चाहते हैं।